Hello everyone, so in this video we are going to cover digestion and absorption. Digestion and absorption aata hai aapka human physiology ke andar. Now, what is human physiology? Human physiology is a science of our body which makes us understand how our body organs works together and perform different functions. हमारी जो बॉडी है वो एक मशीन की तरह है जो कि डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म फॉलो करती है. उसी में से एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है आपका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. ठीक है, जहाँ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वर्ड आता है ये सिंपली आपका रिलेटेड है फूड से. ठीक है, नाउ व्हाट इज फूड? फूड इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज इट इंक्लूड्स कंपोनेंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स एंड ऑल्सो वाइटामिन्स एंड मिनरल्स. ठीक है, व्हाई फूड इज नेसेसरी? फूड प्रोवाइड्स अस एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज, बट आवर बॉडी इज नॉट केपेबल ऑफ एब्सॉर्बिंग द फूड इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो फूड होता है वो कंटेन करता है आपका बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स. बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, इनको हम बोलते हैं बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स. दीज बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म, सो दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस व्हिच इज डन बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड डाइजेशन. ठीक है, अब आते हैं डाइजेशन होता क्या है. डाइजेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जो कि आपका बायोकेमिकल एज वेल एज मैकेनिकल प्रोसेस होता है. बायोकेमिकल कहने से मतलब है जिसमें आपका एंजाइम्स और एसिड वगैरह सारे एक्ट करते हैं. मैकेनिकल प्रोसेस इस तरह से क्योंकि आपका जो मस्क्यूलर मूवमेंट होता है इस वजह से हम इसको मैकेनिकल प्रोसेस भी बोलते हैं. डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इंटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म एंड इट इज कैरिड आउट बाय डाइजेस्टिव सिस्टम. अब हम एक ओवरव्यू देखेंगे कि डाइजेशन किस तरह से होता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं उसमें. सबसे पहला है आपका इंजेशन. इंजेशन मतलब जब हम खाने को निगलते हैं, जब हम उसको स्वॉलो करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेशन. फिर आता है डाइजेशन. जब आपके जो निगले हुए खाने को सिंपल फॉर्म में तोड़ा जाता है और उसमें डिफरेंट एंजाइम्स और एसिड वगैरह काम करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन. फिर आता है आपका एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन मतलब जो आपका डाइजेस्टेड फूड होता है उसमें जो आपके इम्पॉर्टेंट नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन. फिर होता है आपका एसिमिलेशन. जब आपका जो एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स होता है जब हम उसको काम में लेते हैं, ठीक है, जिस उससे जब हमको एनर्जी मिलती है हमारे डे टू डे वर्क के लिए तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन. फिर आता है आपका डेफिकेशन और एक्सक्रीशन. जो आपका वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जब हम उसको एक्सक्रीट करते हैं तो दैट इज प्रोसेस कॉल्ड डेफिकेशन. ठीक है, अब हम आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में. डाइजेस्टिव सिस्टम के दो इंपॉर्टेंट पार्ट है. सबसे पहला है आपका एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा है आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड. हम दोनों को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम पढ़ते हैं एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो एक्सटेंड करता है आपके माउथ टू एनस. ये आपका माउथ है, यहाँ से लेकर ये पूरा, दिस इज ऑल कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल. यहाँ माउथ से लेकर एनस तक. ठीक है, अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि यहाँ कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं और क्या क्या उनके फंक्शंस होते हैं. सबसे पहले होता है आपका माउथ. माउथ को हम ओरल कैविटी और ब्यूकल कैविटी भी बोलते हैं. ठीक है, माउथ में आपको दो चीजें मिलती हैं. पहला है आपका टीथ, दूसरा है आपका टंग. पहले पढ़ेंगे हम टीथ को. जो टीथ होता है वो होता है आपका एक्टोमेसोडर्मिनल इन ओरिजिन. ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे रिलेटेड टू टीथ. सबसे पहले होता है आपका थेकोडोंट. ईच टूथ इज एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जॉबोन.
आपका जो एक एक दांत होता है वो जिस तरह से मसूड़ों ने उसको पकड़ रखा है, उस पूरे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं थेकोडोंट। फिर आता है आपका डायफायोडोंट। किसी भी इंसान के जन्म से लेकर मृत्यु तक दो सेट्स ऑफ टीथ होते हैं, ठीक है। जब हम बोलते हैं ना दूध के दांत हैं परमानेंट टीथ, तो हम उनको बोलते हैं एडल्ट टीथ या फिर डेसिडियस टीथ, ठीक है। थर्ड टर्म जो है आपका वो है आपका हेट्रोडोंट। आपका जो ह्यूमन टीथ होता है उसको हमने फोर पार्ट में, फोर कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहला होता है आपका इंसीजर, फिर कैनाइन, प्रीमोलार एंड मोलार। इसी वजह से, इनके अरेंजमेंट के वजह से हम एक डेंटल फॉर्मूला डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर जैसे कि दिया हुआ है इंसीजर का नंबर 2, कैनाइन होता है आपका 1, प्रीमोलार होते हैं आपके 2 और मोलार होते हैं आपके 3। जो आपका 1/4 अरेंजमेंट होता है उसी से आपका बनता है डेंटल फॉर्मूला। जैसे कि जो एडल्ट्स होते हैं उनमें डेंटल फॉर्मूला होता है 2123/2123। वहीं अगर हम बात करें चाइल्ड इन्फेंट्स जो कि बच्चे होते हैं, उनमें जो आपका डेंटल फॉर्मूला बनता है वो होता है आपका 2102/2102। क्यों पता है? क्योंकि उसमें प्रीमोलार्स आपके एब्सेंट होते हैं। वहीं जब हम बात करते हैं टीनेजर्स के, तो टीनेजर्स का डेंटल फॉर्मूला होता है 2122/2122, क्योंकि उनमें जो मोलार होता है उसका एक एक मोलार आपका एब्सेंट होता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपका टीथ क्या करता है? खाने को चबाने में हेल्प करता है, ठीक है। जो टीथ का सरफेस होता है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस से बने रहता है जिसको हम बोलते हैं इनेमल, ठीक है, विच इज सिक्रेटेड बाय एम्ब्लियोब्लास्ट सेल्स। दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इनेमल इज सिक्रेटेड बाय एम्ब्लियोब्लास्ट सेल, हेल्प्स इन मैस्टिफिकेशन ऑफ फूड, फूड में, ठीक है। फूड को आपको अच्छी तरह से चबाने में हेल्प करता है। तो दिस इज अबाउट टीथ। अब आते हैं हम टंग में, ठीक है। बचपन में हमने पढ़ा था कि टंग जो होता है इज अ सेंस ऑर्गन, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है, टेस्टिंग ऑफ फूड में हेल्प करता है टंग, लेकिन टंग इज ऑल्सो अ फ्रीली मूवेबल ऑर्गन अटैच टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी बाय फ्रेन्यूलम, ठीक है। अपर सरफेस जो होता है टंग का हैज स्मॉल प्रोजेक्शंस कॉल्ड पैपिले विच कंटेन टेस्ट बड्स। ये आप देख पा रहे हैं टंग में, ठीक है। ये जो सरफेस होता है यहाँ पर छोटे 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 फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको हम बोलते हैं पैपिले, और ये जो पैपिले होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं आपके टेस्ट बड्स को। अब जो पैपिले होते हैं वो भी आपके 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। ये वाला जो ये वाले रीजन में जो होता है इसको हम बोलते हैं सरकमवैलेंट पैपिले। ये सबसे बड़े पैपिले होते हैं और ये 8 से 10 होते हैं नंबर में, ठीक है। फिर आता है आपका फंजीफॉर्म पैपिले जो कि आपके एजेस में, ये वाला जो पार्ट है यहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये पिंक कलर के होते हैं और दीज कंटेंट टेस्ट बड्स। फिर आता है आपका फिलीफॉर्म पैपिले जो कि आपके टंग के सेंटर में प्रेजेंट होता है, बहुत छोटे छोटे होते हैं, ये व्हाइट कलर के होते हैं एंड दे आर डिवॉइड ऑफ टेस्ट बड्स, यानी इनमें टेस्ट बड्स नहीं होता है, ठीक है। अब आपका जो हायोइड बोन होता है होल्ड्स अप द टंग, जो आपका टंग होता है उसको उसकी जगह पे बनाए रखने के लिए हायोइड बोन सपोर्ट करता है। जब आपका खाना अच्छी तरह से आप छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हो, उसके बाद जो टंग होता है वो अच्छे से सलाइवा के साथ मिक्स कर लेता है, तब आपका खाना नीचे की ओर बढ़ता है और वो आपका कहाँ से पास होता है? फेरिंग्स से। फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स आर वैसा कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ठीक है। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया यानी जो विंड पाइप होता है इट इज कॉल्ड ग्लॉटिस विच इज गेट कवर्ड बाय कार्टिलेजनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एपिग्लॉटिस प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ फूड इनटू ट्रैकिया। जो आपकी ओपनिंग होती है, जो आपकी श्वास की नली होती है उसकी जो ओपनिंग होती है उसका हम बोलते हैं ग्लॉटिस, और जो आपका एपिग्लॉटिस होता है वो खाना खाते समय उस ओपनिंग को ढक देता है, जिसकी वजह से आपके बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपका खाना आपकी श्वास की नली में जाए,
यही एक रीजन होता है कि आप खाते समय सांस भी ले पाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो खाना होता है वो और नीचे की ओर जाता है, ईसोफेगस से पास होता है वो, ठीक है। ईसोफेगस इट इज अ लॉन्ग एक्सटेंडेड मस्कुलर ट्यूब ओपन्स टू स्टमक। अब ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस टू स्टमक इज गार्डेड बाय गैस्ट्रो ईसोफेगल स्पिंचर। अब जो गैस्ट्रो ईसोफेगल स्पिंचर होता है, जिसके वजह से हम लिमिटेड अमाउंट ऑफ खाना ही खा सकते हैं, अदरवाइज वो खाना वॉमिट हो जाएगा, हम उल्टी कर देंगे, क्योंकि ये अलाउ नहीं करता है एक्स्ट्रा खाना हमारे पेट में एंटर करने को। इसके बाद आता है आपका स्टमक। स्टमक की लोकेशन क्या है? इट इज लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। शेप क्या है? जे शेप्ड का होता है। और जो आपका स्टमक होता है उसमें आपके चार रीजन होते हैं। ये वाला रीजन जो होता है इसको हम बोलते हैं कार्डियक रीजन। फिर आता है ये वाला रीजन, दिस रीजन इज कॉल्ड फंडस रीजन। ये वाला जो पूरा पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं बॉडी रीजन। और ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं पाइलोरिक रीजन। अब जिस तरह से गैस्ट्रो ईसोफेगल स्पिंचर यहाँ पर प्रेजेंट है, उसी प्रकार से जब आपका स्टमक आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है तो यहाँ पर भी एक स्पिंचर प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं पाइलोरिक स्पिंचर, ठीक है। पाइलोरिक पोर्शन ओपन्स टू स्मॉल इंटेस्टाइन गार्डेड बाय पाइलोरिक स्पिंचर। अब आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन आपका तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले है आपका ड्यूडिनम। ड्यूडिनम जो है वो यू शेप्ड का है। ये देखिए यू शेप्ड का एक स्ट्रक्चर है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं ड्यूडिनम, विच इज गार्डेड बाय पाइलोरिक स्पिंचर। फिर आता है आपका जेजुनम। जेजुनम आपका ये जो मिडिल कॉइल्ड पार्ट है, जो हल्का सा कॉइल्ड रहता है, ये वाले पार्ट को हम बोलते हैं जेजुनम। फिर आता है आपका हाईली कॉइल्ड रीजन। इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं इलियम। मैक्सिमम आपका जो एब्जॉर्प्शन होता है फूड का वो इसी रीजन में होता है। अब जो आपका इलियम होता है दैट ओपन्स टू लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अब वो यहाँ से आपका लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होता है। अब आते हैं आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ फोर पार्ट्स। सबसे पहला है आपका सीकम। जो सीकम होता है, ये वाला पार्ट जो कहलाता है सीकम, इज अ स्मॉल ब्लैंड सैक लाइक स्ट्रक्चर विच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक छोटी सी थैली जैसा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर कुछ अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। अच्छे इसलिए जिनसे हमें कोई नुकसान नहीं होता, और ये सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनसे हमें कहीं ना कहीं फायदा होता है और इसके बदले में हम उनको रहने की जगह देते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स में। ये वाला जो एक नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन है, ये वाले पार्ट को हम बोलते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। इट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गेन। वेस्टिजियल ऑर्गेन इसलिए बोलते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गेन मतलब एक ऐसा ऑर्गेन जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट तो है पर उसका कोई काम नहीं है, अभी तक उसका ऐसा कोई फंक्शन नहीं है। वेस्टिजियल ऑर्गेन आपका जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है, ये आपके हर्बीवोरस में सेल्यूलोस को डाइजेस्ट करने में काम आता है, ठीक है। फिर आते हैं आपके कोलोन में। कोलोन आपका थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये वाला पार्ट कहलाता है आपका एसेंडिंग कोलोन, ये वाला पार्ट कहलाता है आपका ट्रांसवर्स कोलोन, और उसके बाद ये वाला कहलाता है आपका डिसेंडिंग कोलोन। फिर आता है आपका रेक्टम, और रेक्टम के बाद एनस, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट एलिमेंट्री केनाल, माउथ से लेकर एनस तक। फिर आते हैं आपके एलिमेंट्री केनाल। जब हम एलिमेंट्री केनाल को हम ट्रांसवर्स सेक्शन में कट करेंगे तो हम देख पाएंगे कि वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री केनाल पोसेसेस फोर लेयर्स होते हैं उसमें। सबसे पहला लेयर होता है सेरोसा। सेरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर मेड ऑफ थिन मेसोथीलियम एंड कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मस्क्यूलारिस रीजन। मस्क्यूलारिस जो लेयर होता है वो आपके स्मूथ मसल्स से बना होता है, और वो कैसे अरेंज होते हैं? इनर होते हैं आपके सर्कुलर
और जो आउटर होता है वो आपका लॉन्गिट्यूडनल अरेंज्ड होता है। फिर आते हैं आपके सब म्यूकोसल लेयर में। सब म्यूकोसल लेयर आपका क्या क्या कंसिस्ट करता है, उसमें होते हैं आपके लूज कनेक्टिव टिश्यूज, नर्व, ब्लड, लिम्फ वेसल्स, ठीक है। अब जो ड्यूडेनम रीजन होता है, जो कि हमने पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, उसमें ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं आपके सब म्यूकोसल लेयर में। फिर आता है आपका म्यूकोसल लेयर, दिस इज द इनर मोस्ट लेयर, ठीक है। इसमें आपके स्मॉल इरेगुलर फोल्ड्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं र्यूगे, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑल्सो स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स देखने को मिलेंगे जिसको हम बोलेंगे विली। जो आपका ये अंदर वाला हिस्सा होता है, यहाँ पर आपके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो दिख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं विली। जब हम विलीज को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये बहुत सारे न्यूमरस इन नंबर होते हैं एंड दे गिव अ ब्रश बॉर्डर अपियरेंस, ठीक है। जब हमारा खाना एक बार डाइजेस्ट हो जाता है तब अब उसकी बारी होती है एब्जॉर्प्शन की। लेकिन हमारा खाना एब्सॉर्ब हो और वो जिस तरह से ब्लड में जाए, इसके लिए हमको एक कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है जो कि होता है विली। विली आर रिचली सप्लाइड टू ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज एंड लिम्फ वेसल्स विच आर कॉल्ड लैक्टियल्स, इसको हम बोलते हैं लैक्टियल्स। अब जो म्यूकोसल इपिथिलियम लेयर जो होता है उसमें ग्लोबलेट सेल्स भी होते हैं जो कि आपका म्यूकस सिक्रेट करते हैं एंड दे हेल्प्स इन ल्यूब्रिकेशन। म्यूकोसल जो लेयर होता है ऑल्सो फॉर्म्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इन स्टमक। अब जो क्रिप्ट्स प्रेजेंट होते हैं बिटवीन बेसिस ऑफ विली आर कॉल्ड क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन। ये जो आपका विली होता है इनके बेसिस में एक छोटे छोटे छेद होते हैं, उन छेद को हम बोलते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन। यहाँ पर आपके पैनेथ सेल प्रेजेंट होते हैं जो कि आपका लाइजोजाइम को सिक्रीट करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। फिर आते हैं आपका सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट में, जो कि है आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में आपके तीन ग्लैंड्स होते हैं। सबसे पहला है आपका सलाइवरी ग्लैंड। जो सलाइवा होता है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय थ्री पेयर ऑफ ग्लैंड्स। सबसे पहला होता है आपका पैरोटिड, जो कि आपके चीक्स वाले रीजन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये देखो, ये है आपका पैरोटिड ग्लैंड, ये है आपका चीक, और इस रीजन में आपका पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट है। फिर आता है आपका सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर भी बोलते हैं उसको हम, तो ये आपके लोअर जॉज में प्रेजेंट होता है। ये हम इसको जॉ लाइन बोलते हैं ना, तो ये है आपका लोअर जॉज में प्रेजेंट होता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। फिर आता है आपका सब लिंगुअल ग्लैंड्स, जो कि आपके बिलो द टंग प्रेजेंट होते हैं। इस पार्ट में आपका टंग प्रेजेंट होता है, इसके जस्ट नीचे आपका सब लिंगुअल ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है। ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, आपका सलाइवा सिक्रीट करते हैं। फिर आता है आपका सेकेंड ग्लैंड विच इज लिवर, ठीक है। वी ऑल नो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है लिवर, ठीक है, वेइंग अबाउट 1.2 टू 1.5 केजीज, ठीक है। अब इसका लोकेशन क्या है, लिवर इज सिचुएटेड इन एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायफ्राम एंड हैज टू लोब्स। जो आपका लिवर होता है वो आपके दो लोब्स में डिवाइडेड होता है, लेफ्ट लोब और राइट लोब्स में, ठीक है। और वो जो लोब्स होते हैं उसको हम बोलते हैं हेपेटिक लोब्स, ठीक है। हेपेटिक लोब्स आर द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिवर, कंटेन हेपेटिक सेल्स, ठीक है। ईच लोब्यूल कवर्ड बाय थिन कनेक्टिव टिश्यू शीट कॉल्ड ग्लिसन्स कैप्स्यूल। ये जो सारे टर्म्स हैं ये सारे याद रखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। तो आपका जो ईच लोब्यूल होता है वो आपका एक शीथ से कवर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लिसन्स कैप्स्यूल। अब लिवर का मेन काम क्या है, लिवर आपका सिक्रीट करता है बाइल जूस, ठीक है। बाइल इज सिक्रीटेड बाय हेपेटिक सेल्स, passes through hepatic duct and gets stored in gallbladder, ठीक है। जब आपका लिवर bile juice secrete करता है तो वो स्टोर कहाँ होता है, gallbladder में। gallbladder क्या है, gallbladder आपका एक छोटी सी थैली होती है जहाँ पर आपका bile juice concentrated होता है और वहीं स्टोर भी होता है। जो आपका लिवर से जो आपका डक्ट निकलता है उस डक्ट को हम बोलते हैं hepatic duct, ठीक है। और जो आपका गॉल ब्लैडर से डक्ट निकलता है उस डक्ट को हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट।
और सिस्टिक डक्ट और हिपैटिक डक्ट दोनों मिलके आपका बनाते हैं कॉमन बाइल डक्ट। देखो यहाँ पर जैसे दो लोब्स होते हैं, लेफ्ट लोब्स और राइट लोब, तो लेफ्ट हिपैटिक डक्ट राइट हिपैटिक डक्ट, ये आपका गॉल ब्लैडर से एक सिस्टिक डक्ट आ रहा है, ये दोनों तीनों मिलाकर आपका बनाएंगे कॉमन बाइल डक्ट। उसके बाद पेनक्रियाज से आपका एक डक्ट निकलता है जिसको हम बोलते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट, ये तीनों चारों डक्ट मिलके बनाते हैं आपका कॉमन डक्ट विच इज हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। फिर हम आते हैं जो बाइल डक्ट होता है, पेनक्रियाटिक डक्ट होता है, ये कहाँ पर खुलते हैं आपके ड्यूडेनम रीजन में, और इनको हम क्या बुलाते हैं हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट विच इज गार्डेड बाय स्पिंचर ऑफ ओडाई। ठीक है, इसका जो ओपनिंग होता है ना वो आपका किस कौन रेगुलेट करता है, स्पिंचर ऑफ ओडाई। अब आते हैं हमारे थर्ड मोस्ट ग्लैंड में जो कि है आपका पेनक्रियास। पेनक्रियास एक कंपाउंड ग्लैंड है, ठीक है, कंपाउंड ग्लैंड इसलिए क्योंकि ये बोथ एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ये है आपका पेनक्रियास जो कि आपका सिचुएटेड है बिटवीन द लिम्स ऑफ ड्यूडेनम। ठीक है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ये कहाँ है ड्यूडेनम के पास सिचुएटेड है। ठीक है, हम इसको एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों की वजह से कंपाउंड ग्लैंड बोलते हैं, और जब वो आपका एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड एक्ट करता है तो वो क्या सिक्रेट करेगा आपका हार्मोन्स। हार्मोन्स कौन से हार्मोन्स, इंसुलिन एंड ग्लूकाजन। ठीक है, और जब ये एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट करता है तो ये क्या सिक्रेट करेगा आपका पेनक्रियाटिक एल्कलाइन जूसेस विच कंटेन एंजाइम्स। ठीक है, जो कि अल्टीमेटली आपके डाइजेशन में हेल्प करती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब हम एक छोटी सी समरी देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। तो जब हम खाना खाते हैं, फूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जो फूड में बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको हमारी बॉडी डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है वो सिंपल फॉर्म में ब्रोक डाउन हो। उसके लिए आपके एलिमेंट्री कैनाल में जो टीथ होता है वो हेल्प करता है आपके मैस्टिफिकेशन ऑफ फूड में, और जो टंग होता है वो आपको थॉरोली मिक्स करता है सलाइवा के साथ आपके फूड को। फिर जो फूड होता है वो आपका कहाँ से पास होता है, फेरिंग से। फेरिंग से वो जाता है ईसोफेगस में, ईसोफेगस में से जाता है वो स्टमक में। स्टमक में उसमें वेरियस आपके एंजाइम्स और एसिड एक्ट करते हैं। उसके बाद जाता है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका जो ईलियम रीजन होता है वहाँ पर मैक्सिमम आपका एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो आपका कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन से वो थ्रू एनस वो आपका डेफिकेशन के प्रोसेस से बाहर चले जाता है। ठीक है, उसके बाद आपके एलिमेंट्री कैनाल में चार लेयर्स होते हैं, फोर लेयर्स होते हैं, और आपका जो म्यूकोसल एपिथीलियम लेयर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वहीं पर विलीज प्रेजेंट होती हैं जो कि आपके एब्जॉर्प्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।